हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज है हमारा प्रैक्टिस सेट, जो कि ये थर्ड है। चलिए, हफ्ते में आपको संडे वाले दिन, हर संडे आपको एक प्रैक्टिस सेट पूरा दे दिया करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एसे आर देयर इन द थर्ड एडिशन ऑफ बेकन एसे। मतलब कितने ऐसे हैं जो थर्ड बेकन के जो ऐसे हैं उनके थर्ड एडिशन में मतलब लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 58 ऐसे उनके थर्ड एडिशन में लिए गए हैं। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज आल्सो नोन एज। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल क्या नाम, किसके नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, किसने लिखा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, किंग जेम्स बाइबल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, विच इज ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। अब बाइबल का वर्जन कौन से, मतलब किस प्रकार का ऑथराइज्ड करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबल। बाइबल का जो वर्जन होता है वो क्रिश्चियन बाइबल में ट्रांसलेट किया जाता है। इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश स्टार्टेड। बाइबल इंग्लिश में कभी ट्रांसलेट की गई, कौन से ईयर में? तो इसका 4 ऑप्शन का हो जाएगा डी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1604 में। 5 देख लीजिए, इन विच ईयर ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश कंप्लीट। बाइबल इंग्लिश में कब ट्रांसलेशन, कब कंप्लीट हो गई थी, कौन से ईयर में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1611 में। इसी तरीके 6 देख लीजिए, हु स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश। अब क्रिश्चियन बाइबल को के मतलब इंग्लिश में कब ट्रांसलेशन, किसने ट्रांसलेशन किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए, किंग जेम्स ने। 7 देख लीजिए, हु फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल। इंग्लिश बाइबल को किसने प्रिंट करवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बर्कर ने। तो इस ये दोनों ने करवाया था। हु वाज रॉबर्ट बैंकर। रॉबर्ट बैंकर कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किंग्स प्रिंटर। कौन थे? किंग्स प्रिंटर। हु अप्रूव्ड द बाइबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में बाइबल कब, मतलब कि किसने अप्रूव्ड करवाया, कहाँ, है ना? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंग्लिश चर्च में। 10 देख लीजिए, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कमिटी दैट ट्रांसलेशन क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश। ठीक है, कितने मेंबर्स थे कब, जब क्रिश्चियन बाइबल को इंग्लिश में मतलब कि वो की गई थी, ट्रांसलेशन करना था, तो तब मेंबर थे? 10 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 स्कॉलर्स थे। कितने स्कॉलर्स थे? 47। देख लीजिए, इलेवन देखिए, द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज। ओरिजिनल बाइबल किस, मतलब कि लैंग्वेज में कंपोज्ड की गई थी, किस लैंग्वेज में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हर्ब्यू लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, 12, हैप्पी फैमिली आर अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे। ये कोटेशन है, हु शेड दिस, इसको किसने कहा था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, लियो टॉलस्टॉय ने कहा था ये कोटेशन को। 13 देख लीजिए, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये कोटेशन किसने कही थी? तो ये कोटेशन का जो राइट ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, क्योंकि उन्होंने लिखा था एनिमल फॉर्म। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ये कोटेशन किसने कही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड बायरन ने कही है।
15 देख लीजिए। आई हैव स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे शे शो हु शेड दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए, कॉलरिज ने ये कोटेशन कही है, आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई वे शे शो। 16 देखिए, इफ डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। किसने ये कोटेशन कही है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, वोल्टेयर ने कही है ये कोटेशन। 17 देख लीजिए, एन एलेगरी इज ए सीरीज ऑफ मेटाफर्स ऑफ और सिंबल्स कंटिन्यू थ्रू आउट एन इंटायर स्टोरी सो एज टू रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब वन सीरीज ऑफ फैक्ट्स बाय अनदर। सीरीज दैट इज एनालॉग्स टू इट इन इट्स मेन फीचर्स नेसफील्ड। फॉलोइंग दिस विच इफ द बुक्स मेंशन बिलो इज एन एलेगरी। कौन सी नेसफील्ड की कौन सी बुक्स में ये एलेगरी के जो कोटेशन है मैं मतलब कि मेंशन की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 17 का ए, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में ये कोटेशन मेंशन है। 18 देख लीजिए, फाइंड आउट फिगर्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ से आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताने हैं। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ ए लाइट ब्लू कार टुमारो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का डी, इनोन डे। अब यहाँ से आपके 19 से 44 में आपको शेक्सपियर ट्रेजेडी के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 19। Why are the grave diggers are going about Ophelia? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 का बी, बिकॉज दे हियर दैट सी हैज किल्ड हरसेल्फ। ये हैमलेट की लाइंस थी। देख लीजिए, व्हाट डज द ग्रेव डिगर से टू हैमलेट व्हेन ही आस्क हूज ग्रेव He is digging। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी, ही सेज दैट इट इज ओन ग्रेव। 21 देख लीजिए, व्हाट डज हैमलेट नोटिस अबाउट द फ्यूनरल पोजिशन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट द प्रोसेशन सीम्स इरेगुलर एंड सजेस्ट ए सुसाइड। 22, what does Hamlet say to Laertes upon realized that it is Ophelia's funeral? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 का बी, दैट ही लव्ड ओफीलिया, क्योंकि वह प्यार करती थी उससे ओफीलिया से, इन वे दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड, और इस बात को लोग नो वन कोई भी नहीं समझता था। What finally appeased Laertes at Ophelia's funeral? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, Claudius reminds Laertes that they have a plan to kill Hamlet. What does Hamlet tell Horatio about death? ठीक है, Horatio ने Hamlet की डेथ के बारे में क्या बताया? तो 24 का जो राइट ऑप्शन है ए, दैट इट इज इनविटेबल। 25 है, हाउ डज ग्रेटिट्यूड डाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का बी, शी एक्सीडेंटली ड्रिंक्स वाइन द क्लॉडियस पॉइजन, मतलब कि जो क्लॉडियस पॉइजन का जो ड्रिंक बनाता है उसी को पी लेती है, तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। हाउ डज हैमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लॉडियस प्लान। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 का शी, लेटेस मेक्स ए डाइंग डिक्लेरेशन। 27, हाउ डज द डाइंग हैमलेट टेल होरेशियो टू डू। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का डी, लिव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी।
हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ प्ले, प्ले के एंड में डेनमार्क में कौन से रूल थे, किसका शासन चलने लगा। तो 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फोर्टीन ड्रेस। व्हाट वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब हैमलेट्स कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले, इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो 29 का जो ऑप्शन है ए, मिस्टीरियस थॉटफुल एंड मोरोज। 30 देख लीजिए, व्हाट इज क्लॉडियस मोस्ट पावरफुल वीपन, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हिज वे विद वर्ड्स। देखिए 31, व्हाई इज हैमलेट समटाइम्स कंसीडर्ड टू बी प्ले अबाउट इन एक्शन, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 31 का सी, बिकॉज हैमलेट नीड्स टू नो क्लॉडियस इज गिल्टी बिफोर एक्टिंग, एक्टिंग के दौरान क्लॉडियस को क्या होता है, गिल्टी फील होता है कि उसने भाई को क्यों मार दिया। हाउ डज क्लॉडियस रिस्पॉन्ड टू हैमलेट्स इंसैनिटी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 का बी, बाय फोकसिंग ऑन हिम सेल्फ एंड हिज ओन वेल बीइंग। 33 है, व्हाट इज ग्रेटिट्यूड नेवर एबल टू डू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 33 का वो है बी, बी रिफ्लेक्स यू अबाउट हर सरकमस्टेंस। 34 देखिए, व्हाट इज सीन एज केशिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मोरल करप्शन। क्या था, मोरल करप्शन की वजह से डेनमार्क में कैसी सीन देखने को मिली, फॉल ऑफ डेनमार्क। विच ऑफ दिस रिलेशनशिप वुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज इनकेस, हाँ इनकेस्टुअस, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी, हैमलेट एंड ओफिलिया। 36, हाउ डू कैरेक्टर्स यूज लैंग्वेज इन हैमलेट, हैमलेट में लैंग्वेज कैसी थी, कैरेक्टर्स थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, एज ए मैनिपुलेट पॉलिटिकल टूल्स, ये इसका राइट ऑप्शन है। 37 है, हाउ आर वुमन जनरली व्यूड इन हैमलेट, हैमलेट में, एक मिनट, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाए 37 का ए, दे आर व्यूड एज मैनिपुलेटिंग एंड अनट्रस्टवर्दी। 38 देख लीजिए, व्हाई इज हैमलेट कंसीडर्ड यूनिक एमंग रिवेंज प्ले, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 38 का सी, बिकॉज एक्शन इज रिपीटेडली पुट ऑफ। 39 देख लीजिए, हु डिस्क्राइब पोलिनियस ने क्या डिस्क्राइब किया, सिंसियर फादर बट आल्सो ए बिजी बॉडी हु इज अकॉर्डिंगली ऑफिशियस गैरुलस एंड इम्पर्टिनेंट, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 39 का ए, विलियम हैजलिट ने इनको डिस्क्राइब किया है। 40, इन एक्ट सेकेंड हु रेफर्स टू पोलोनियस एज ए टेडियस ओल्ड फूल एंड टॉन्ट हिम एज ए लेटर डे जेफाथा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 40 का ए, हैमलेट। 41 देख लीजिए, विच कैरेक्टर क्या है, विच कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट हैज बीन रेफर्ड एज फॉलिस प्रेट, हाँ प्रेटिंग नेव, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 41 का, हाँ 41 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है 41 का हो जाएगा डी, पोलोनियस। देखिए 42, विच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड एज ए टिपिकल रिनेशा न्यू मैन, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन से कैरेक्टर को न्यू मैन के रूप में माना गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पोलोनियस।
43 देख लीजिए, हु स्पीक्स द फॉलोइंग पॉपुलर लाइन्स हैमलेट, नाइदर बरोवर नार ए लेंडर बी, ना किसी से उधार लो ना किसी को उधार दो, ये वाली जो लाइनें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 43 का बी, पोलोनियस। 44 है विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मूवी हैदर, हैदर किस मूवी, मतलब विशाल भारद्वाज की जो डायरेक्टर मूवी है हैदर, वो इज ए मॉडर्न डे एडॉप्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी, किस ट्रेजेडी से ये मूवी बनी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हैमलेट से, किसका हो जाएगा, हैमलेट से। 45 है विच प्ले वाज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन इन 1623 में, क्या था उनका फर्स्ट फोलियो था उसमें कौन से प्ले को हटा दिया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का बी, पेरिकल्स को। 46 देख लीजिए, हु शेज द फॉलोइंग लाइन्स, एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, नो 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 लाइफ, वाई शुड ए डॉग ए हॉर्स ए रैट हैव लाइफ, एंड थाउ नो ब्रीथ एट ऑल, ये कोटेशन किसकी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 46 का शी, किंग लियर इन किंग लियर, ये खुद से कह रहे होते हैं किंग लियर अपने आप से। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंशन सोल, ये कोटेशन किस शेक्सपियर के, मतलब किसके द्वारा शेक्सपियर को पेश किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 47 का सी, जॉन ड्राइडन द्वारा। हु स्पीक्स दीज लाइन, पीस पीस डस्ट थाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स एंड नर्स एज स्लीप, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लियोपेट्रा इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। 49 हु रोट इन हिज नोटबुक शेक्सपियर ड्रेटन एंड बेन जॉनसन हैड ए मेरी मीटिंग एंड इट सीम्स ड्रैंक टू हार्ड फॉर शेक्सपियर डाइड ऑफ ए फीवर देयर कॉन्ट्रैक्टेड, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, जॉन वार्ड एंड वेकर ऑफ स्टेटफोर्ड। देख लीजिए 50, हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से वर्ड्सवर्थ को किसने प्रेज किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 का ए, जॉन केबल ने, किसने, जॉन केबल ने। चलिए 51 देख लीजिए, वर्ड्सवर्थ वाज द ओनली पोएट लॉरिएट टू राइट, हाँ तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 51 का बन जाएगा बी, ऑफिशियल वर्सेज। 49 एज इगोस्टिकल सबलाइम, ये किसने कहा था। 52 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा था। देखिए 53, ओसवाल्ड मार्मेड्यूक लॉर्ड हर्बर्ट लेसी वेलेस इडोनिया एंड लॉर्ड शिफॉर्ड आर द कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स थे वर्ड्सवर्थ में कौन से प्ले में थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए, बॉर्डरर्स के ये सारे कैरेक्टर्स के नेम थे। 54, इन द एसे द प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन, किसकी गाइडलाइन थी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 54 का ई, क्या थी, ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री, एवरी डे लैंग्वेज इज द बेस्ट सुटेड फॉर पोएट्री, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन दैट टेक्स इट ओरिजिन फॉर इमोशन रिकॉल रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारे सही हैं। आला पेज 55, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किसकी लाइन्स हैं, ये कोटेशन है हमारे 55 का, जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, टिंटन अबे।
56 देख लीजिए, हु रोट इन द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम, नो पर्सन सीम्स बेटर टू हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ हाइटेनिंग और ऑफ सेटिंग टेरिबल थिंग्स, इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन इन देयर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट बाय द फोर्स ऑफ ए जुडिशियस ऑब्सक्योरिटी देन मिल्टन। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 56 का ए, एडमंड बर्क। 57 देख लीजिए, मिल्टोनिक वर्स कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रादर आर्टिस्ट ह्यूमर, एंड दैट पैराडाइज लॉस्ट वाज ए ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी, ये किसने एक्सप्लेन किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 57 का ए, जॉन कीट्स ने। 58 देख लीजिए, हु क्लेम्ड सेइंग द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प, इट वाज ओनली इन ए हिंड्रेंस। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 58 का डी, टी एस एलियट द्वारा। 59 देख लीजिए, हु रोट इन द एग्जेंटी ऑफ इन्फ्लुएंस दैट मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, हारोल्ड ब्लूम। 60 द कोटेशन ए गुड बुक इज द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट एम्ब्लेम्ड एंड ट्रेजर्ड अप ऑन पर्पस टू लाइफ बियॉन्ड लाइफ इज टेकन फ्रॉम मिल्टन। से किससे लिया गया है कोटेशन? तो ये कोटेशन ली गई है 60 के बी, एरोपैगिटिका से। हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज अवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट, ठीक है, मिल्टन को आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट किसने बुलाया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फिलिप पुलमैन ने। 62 देख लीजिए, जस्टिस सो द प्रॉब्लम ऑफ, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2, इंग्लिश लीगल सिस्टम। 63 गल्सवर्दी प्लेस ट्राइब डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, तो गल्स ट्राइब में क्या था? इस टाइप में था लेबर डिस्ट्रीब्यूट, यही इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। 64 में देख लीजिए, गल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, अब इसमें क्या था सिल्वर बॉक्स में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है एक, इन इक्वलिटी ऑफ जस्टिस। 65 देख लीजिए, एन इनडायरेक्ट वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन दैट यू यूज इंस्टेड ऑफ ए मोर डायरेक्ट वन व्हेन You are taking about something that is unpleasant or embarrassing. The use of such expression is called. तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 65 का डी, यूफेमिज्म। 66 देख लीजिए, an agreeable, pleasing and harmonious sounds is called. तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 66 का डी, यूफोनी। 67 ए क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट स्पेशली इन स्क्रिप्चर, बाइबल में इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, एग्जेजेसिस। ए फनी प्ले फॉर द थिएटर फुल ऑफ रेडिकुलस सिचुएशन, उसे क्या बोलेंगे? 68 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा फार्स। 69 देख लीजिए, ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगनिंग ऑफ ए बुक समटाइम्स प्रेज बाय ए फेमस पर्सन और समवन हु इज नॉट द राइटर, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 69 का ए, फॉरवर्ड। 70 देख लीजिए, ए लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज पोएट्री दैट इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ रेगुलर मीटर और रिदम और डज नॉट राइम विद फिक्स्ड फॉर्म, तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 70 का बी, फ्रीवर्स। फ्री वर्स इज ऑल्सो नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्स लिबर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टाइल लिटरेचर आर्ट फिल्म और म्यूजिक दैट यू कैन रिकोगनाइज बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल करेक्टराइज, इसे
हम क्या बोलेंगे इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, जिनर, जिनर बोलेंगे इसको। ए कैरेक्टर फॉल्ट और मिस्टेक दैट केसेस समवन फेल और बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, हमार्सिया। क्या हो जाएगा? हमार्सिया। देख लीजिए 74, द बिलीफ दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। 64 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा हेडोनिज्म। व्हाट टाइटल, अब देखिए ये कुछ एमसीक्यूज टेम्पेस्ट से लिए गए हैं। व्हाट टाइटल डज स्टेफेन एज्यूम इन द सीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 75 का बन जाएगा सी, लॉर्ड ऑफ आइलैंड। 76 देख लीजिए, व्हाट डज द इनविजिबल एरियल डू टू द केस ट्रबल बिटवीन स्टेफेनो एंड ट्रिंकलो। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 76 का ए, वेंट्रीलोक्यूजस ट्रिंकलो। व्हाट डज कैलिबान से दैट हेल हिमसेल्फ स्टेफेनो एंड ट्रिंकलो मस्ट टू डू टू टेक पावर फ्रॉम प्रॉस्पेरो। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 77 का बी, स्टील सीज बुक्स। व्हाट डज एरियल डू टू लीड द मेन एस्ट्रे एंड इंटरप्ट देयर प्लान्स। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, प्लेज म्यूजिक। व्हाई डज स्टेफेनो रिलीज द आइडिया ऑफ बिकमिंग रूलर ऑफ द आइसलैंड किंगडम। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 79 का बन जाएगा बी, द म्यूजिक इज फ्री। 80 देख लीजिए, एज द मेन आर अबाउट टू ईट द बैंकेट सेट बिफोर देम एरियल अपियर्स इन व्हाट फॉर्म। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 80 का बी, डिस्क्यूज्ड एज प्रॉस्पेरो। एरियल टेल्स द मैन दैट देयर शिपरेक एंड द लॉस ऑफ फर्डिनेंड आर पनिशमेंट फॉर वॉट। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, इंडेंजरिंग प्रॉस्पेरो एंड मिरेंडा। व्हेन एरियल मेक्स द बैंक्वेट डिसअपियर व्हाट डू द मैन डू। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 82 का बी, ड्रास देयर स्वॉर्ड्स, ड्रास देयर स्वॉर्ड्स। 83 देख लीजिए, व्हाई कैंट द मेन अटैक एरियल विद देयर स्वॉर्ड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 83 का, 83 का राइट ऑप्शन ए, द स्वॉर्ड्स बिकेम हैवी। 84 देख लीजिए, व्हाट डज एलानसो डू व्हेन रिमाइंड ऑफ द लाइकली डेथ ऑफ हिज सन। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 84 का बन जाएगा ए, ट्राइज टू ड्राउन हिमसेल्फ। क्या है? ट्राइज टू ड्राउन हिमसेल्फ। 85 देख लीजिए, व्हेन द स्पिरिट्स परफॉर्म द मास्क फॉर फर्डिनेंड एंड मिरेंडा दे ट्रांसफॉर्म इन टू विच थ्री माइथोलॉजिकल फिगर्स। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 85 का बन जाएगा सी, आयरिस, सेरस एंड जूनो। 86 देख लीजिए, व्हाई डज प्रॉस्पेरो सडनली एंड द मास्क। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 86 का डी, ही रिमेंबर्स कैलिबान्स प्लॉट। वेयर डज एरियल लेट ट्रिंकलो स्टेफेनो एंड कैलिबान्स टू डिले देयर अटैक। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, इनटू ए स्वैम्प। 58 देख लीजिए, व्हाट डू प्रॉस्पेरो एंड एरियल यूज्ड टू डिस्ट्रैक्ट ट्रिंकलो एंड स्टेफेनो फ्रॉम देयर स्कीम टू मर्डर प्रॉस्पेरो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 88 का जो राइट ऑप्शन है वो बन जाएगा डी, फाइन क्लोथिंग। 89 देख लीजिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ट्रिंकलो एंड स्टेफेनो टच द क्लोथिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, दे आर चेस्ट। 90, आफ्टर प्रॉस्पेरो टेल्स एरियल टू एरियल रिलीज द मेन ही गिव्स
इज सोलिलॉक्वी इन विच ही गिव्स अप व्हाट। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा 90 का ए मैजिक, क्या है मैजिक। 91 देख लीजिए, व्हाट डज प्रॉस्पेरो प्रॉमिस टू गिव एरियल एट लास्ट। इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी हिज फ्रीडम, क्या था हिज फ्रीडम। प्रॉस्पेरो ने एरियल को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। इन हिज फाइनल सीन व्हाट डज प्रॉस्पेरो डू टू हिज एनिमीज, एनिमी के साथ क्या किया था। तो 92 का जो राइट ऑप्शन है डी फॉरगिव्स हिम, मतलब उनसे बदला नहीं लिया था, उनको छोड़ दिया था। 93 देख लीजिए, व्हाट इफेक्ट डज द साइट ऑफ मोर ह्यूमंस हैव ऑन मिरांडा। इसका जो राइट ऑप्शन है बी सी इज इम्प्रेस्ड, क्या है सी इज इम्प्रेस्ड। फर्डिनेंड को देख करके वो इम्प्रेस्ड हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं देखा था मिरांडा ने। व्हाई डज प्रॉस्पेरो आस्क द ऑडियंस टू अपलाउड हिम एट द एंड ऑफ प्ले। तो 94 का जो राइट ऑप्शन है बी टू रिलीज हिम। 95 देख लीजिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्टिटिव एडजेक्टिव। पार्टिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देख लीजिए, इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा हमारा 95 का डी दे आर एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेस द प्रोपोर्शन और फ्रैक्शन होल इंडिकेटेड बाय ए नाउन, सही है। दे आर पार्ट ऑफ द इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। दे आल्सो इंक्लूड मल्टीपल्स एडजेक्टिव विच आल्सो इंडिकेट फ्रैक्शन ऑफ होल बट ग्रेटर देन फर्स्ट विच कैन कम बिफोर एंड आफ्टर द नाउन। ये सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन सही हैं। 96 देख लीजिए, अब आपको कलेक्टिव सुटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स को क्या करना है, फिल करना है। ए कारवा ऑफ, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा 96 का शी पिलग्रिम्स ऑफ मर्चेंट के लिए हम ग्रुप्स क्या यूज करते हैं, कारवा। देख लीजिए 97 जज के लिए कौन सा ग्रुप यूज किया जाता है, तो 97 का ए बेंच। सर्कल, सर्कल किसका ग्रुप होता है, तो 98 का डी फ्रेंड्स और एक्विंटेंस दोनों के लिए हम सर्कल यूज कर सकते हैं। ए कंपनी ऑफ, कंपनी किसके लिए यूज किया जाता है, डी मतलब कि किसके लिए, ए एंड बी एक्टर्स एंड मर्चेंट दोनों के लिए हम कंपनी यूज कर सकते हैं। ए कॉन्फ्रेंस ऑल, कॉन्फ्रेंस किसके लिए यूज कर सकते हैं, 100 का सी प्रीचर्स एंड डेलीगेट्स दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, कॉन्फ्रेंस। 101 विच इज़ द वर्ब फॉर्म द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सी इज गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग। इसमें ये बताना है कि ये क्या है, जीरेंड है कि एडवर्ब है कि पार्टिसिपल है कि इन्फिनिटिव है। तो इसका जो 101 का जो राइट ऑप्शन है ये है इन्फिनिटिव, क्योंकि यहाँ पे टू और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ अब देख लीजिए 102 जीरेंड फॉर्म, इसमें आपको बताना है जीरेंड फॉर्म कौन सी है। 102 का जो राइट ऑप्शन है ए व्हेन पेंटिंग स्टॉप्ड द आर्टिस्ट, ये जो पेंटिंग है ये क्या है, ये जीरेंड फॉर्म है। ए गुड जज नेवर ग्रुप्स द कंक्लूजन, इसमें प्रीपोजिशन कौन सा फिल किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा डी फॉर। द बुक कंसिस्ट 10 चैप्टर, इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा प्रीपोजिशन का बी ऑफ। 105 देख लीजिए, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल द ट्रबल ट्रबल मेकर्स, इसमें जो प्रीपोजिशन फिल किया जाएगा वो बन जाएगा टू, मतलब डी ऑप्शन। 106 आई एम एग्री विद हिम हिज केयरलेसनेस, इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 6 का ए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा एट प्रीपोजिशन। कीप क्लियर विक्ट बॉय, इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 7 का ए कीप क्लियर ऑफ विक्ट बॉयज। अब कुछ स्पेलिंग को करेक्ट करना है, तो 108 की जो स्पेलिंग हो जाएगी वो करेक्ट ए हो जाएगी, कौन स्पीकूगा, सी ओ एन एस पी आई सी यू ओ यू एस। 109 की देख लीजिए करेक्ट स्पेलिंग,
तो इसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी बी, गारंटी की ये स्पेलिंग सही होती है, GUARANTEE। इसी तरीके 10 की देख लीजिए, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें जो स्पेलिंग बन जाएगी 110 की बी, पैसेंजर, PASSENGER, ये करेक्ट हो जाएगी। अब 111 से 125 में पैसेज आपको देखना है, तो इसको हम स्किप करेंगे। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट और इसको पढ़ के आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है फ्रेंड? ले लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन आंसर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको आप करिए और फीडबैक में आप इनके सारे आंसर आप जरूर फिल करके बताएं, और जो भी रॉन्ग होगा हम आपको उसमें आंसर दे देंगे, ठीक है फ्रेंड? बिल्कुल, चलिए अब हम लोग यहाँ से करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, आपको नियरेस्ट सेम मीनिंग ढूंढनी है। एक मिनट, यहाँ कितने तक था पैसेज? फिफ्टीन तक, अच्छा 15 तक था, एक मिनट। ये उसी के हैं, यहाँ से 120 से, हाँ यही सही है। चलिए देख लेते हैं 120 का जो सबलिमिटी का जो एक नियर एक्सप्रेस सेम मीनिंग होगा वो बन जाएगा आपका डी, अप हेवन। इनलाइटमेंट का जो सेम मीनिंग बन जाएगी वो बन जाएगी हमारी 21 की, ऑप्शन बन जाएगा बी, इनसाइट। इसी तरीके देख लीजिए 122 का डेडिकेटेड का जो सेम मीनिंग बन जाएगी 122 का ए, डिवोटेड। अब फ्रेंड 123 से 125 में क्या है देख लीजिए, अपोजिट मीनिंग निकालनी है। पेकुलियर का जो अपोजिट मीनिंग बन जाएगा शी, ऑर्डिनरी। और 124 देख लीजिए फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का जो राइट मीनिंग हो जाएगा स्टिंक, अपोजिट मीनिंग। इटर्नल का जो अपोजिट मीनिंग बन जाएगी ए, मोमेंट्री। आई होप फ्रेंड्स आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा, आपको करके काफ़ी चीज़ें आपने इससे सीखी होंगी और आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हुई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके आपको संडे टू संडे आपको एक प्रैक्टिस सेट जरूर फुल लेंथ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, केवीएसटी जीटी पीजीटी या फिर यूपी पीजीटी पीजीटी सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अपना लास्ट में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।